सर्वप्रथम श्री बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए माननीय काशीराम जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए दूर दराज से जितने भी मेरे सम्मानित साथी आए हैं उनको यहाँ आने की बधाई देते हुए हमारी इस जो पार्टी को चांद चार लगाया और शोभा बढ़ाए उसके लिए आप बहुत धन्यवाद बधाई के पात्र हैं। जो मंचासीन हैं उनको भी धन्यवाद देते हुए साथियों, जो समाज पर शोषण हो रहा है उसके बारे में तो सब आपको ज्ञान है। ये जो हमारे इस देश में भेड़िए बैठे हुए हैं, मदारी बैठे हुए हैं, डमरू बजा रहे हैं, पल्लू को लूट रहे हैं, इनको आपको बढ़ाना होगा और आगे आप लोग आगे बढ़ना होगा। साथियों, एक बात मेरे याद आ रही है कि सिर्फ एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, सिर्फ एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। साथियों, जाति धर्म भुला करके एक मंच पर आ जाओ और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करो। जनहित संघर्ष समिति पार्टी आप सभी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। साथियों, एक वृक्ष पर एक उल्लू रहा करता था, केवल 2 मिनट का टाइम मिला है मुझे, हमारे चौधरी साहब जी ने 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। एक वृक्ष पर एक पक्षी रहा करता था, उस वृक्ष को आग लग गई, एक मानव चला जा रहा था, उसने कहा कि आग लगी इस वृक्ष को, जले डाल और पात, और पंछी तुम क्यों जल रहे हैं जब पर तुम्हारे साथ। तब वह है पक्षी कहता है कि फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, लंबी की नगा, और जब हम पर धूप पड़ती थी, जब हम पर परेशानी मुसीबत पड़ती तो ये वृक्ष हमारे हमें छाया देता था, फल भी देता था, हमारा साथ देता था, हमारी मुसीबत में काम आता था। फल खाए इस वृक्ष के, ठंडी की ना गात, और इस समय धर्म हमारा, हम चले मरे इसी के साथ। तो साथियों, हमारे लिए जो हमारे वकील साहब ने जो है पार्टी खड़ी करी है, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन भागे दौड़े फिर रहे हैं, तो हमें भी ये हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम इनके लिए अपना खून भी देने के लिए तैयार, अपना खून का खतरा खतरा बहाने के लिए हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, उदाहरण।